नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। लोकसभा चुनाव के परिणाम की बात अगर उत्तर प्रदेश में करें तो कुछ परिणाम इतिहास बनाने के साथ अलग अलग व्यवस्था की तरफ इशारा करते नजर आते हैं। बात अगर घोसी लोकसभा सीट की करें तो यहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय ने सुभाषपा के अरविंद राजभर को बड़े अंतर से हराकर इतिहास बना दिया है। घोसी सीट हमेशा से चर्चा में बनी रही क्योंकि यहाँ की लड़ाई को लेकर बड़ी मेहनत की गई और जमकर बयानबाजी हुई। उसी महत्वपूर्ण सीट से सपा सांसद राजीव राय से हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने खास बात की है, देखिए आप। जनादेश 24 का आया है, पर यहाँ पर जो जनादेश घोसी से आया है वो यहाँ पर इतिहास बनाने वाला आया है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से घोसी पर बड़ी ताले थोकी जा रही थी और कहा जा रहा था कि बदलाव करेंगे, यहाँ पर जीत कर आएंगे, वो तमाम दावे धराशायी हो गए। और इस बार घोसी में राजीव राय ने अपना परचम लहरा के बता दिया कि जो जनता के लिए काम करता है जीत उसी की होती है। हमारे साथ मौजूद है, उनकी जानेंगे नीति की रणनीति के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जीत चुके हैं और क्या मानते हैं जीत की बजाय क्या रही है। लगातार जनता के बीच में रहना, जनता का सुख दुख पर बेटा भाई की तरह खड़ा रहना, चुनाव से हारना टिकट न मिलना कोई मायने न रखना, जब बात जनता की आती हो तो उनके साथ खड़े रहना, इसीलिए मेरे चुनाव में जात का बंधन, धर्म का बंधन और पार्टी का बंधन सब ध्वस्त हो गया। क्या मानते, लगातार जनता के बीच रहे, कोरोना के समय में तमाम काम किए, जुड़े रहे, यही वजह मानते हैं जीत की? बिल्कुल, मैं नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व का कुशल नेतृत्व, पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण, मेहनत, मेरी मेहनत सब मिलकर जीत का कारण बनी है। तमाम तरह के दावे बीजेपी के द्वारा किए जा रहे थे, राजभर सब जो ओमकार राजभर के द्वारा किए जा रहे थे, तमाम तरह के बयान दिए जा रहे थे, क्या मानते हैं कि बड़बोलापन यहाँ पर नुकसान दे गया उनको? मुझे लगता है कि अब आप मीडिया साथियों को आत्मचिंतन करना चाहिए कि बार बार उस व्यक्ति का बयान लेकर हाईलाइट क्यों करना जिन्होंने कभी अपने बूते पर कोई चुनाव न लड़ा हो न जीता हो। अपने बूते पर उसी घोसी से पिछले लोकसभा में लड़े थे तो सिर्फ 39,000 वोट मिले थे, अपने बूते पर अपनी सीट भी नहीं जीत सकते हैं, तो ऐसे लोगों को खाली मीडिया में रह कर बड़ा बने रहने की बीमारी है, तो इसके कुछ हद तक जिम्मेदार मीडिया भी है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है, क्या मानते हैं 27 चुनाव के लिए कितनी बड़ी है संजीवनी समाजवादी पार्टी और विपक्ष को मिली है? राष्ट्राध्यक्ष जी का कुशल नेतृत्व, कार्यकर्ताओं का समर्पण के भाव से लगातार अन्याय के खिलाफ संघर्ष हमें इस मुकाम पर लाया है, मंजिल अभी और भी है जहाँ हम सब मिलकर आगे जाएंगे। 27 चुनाव के लिए क्या बोले, क्योंकि यहाँ पर तैयारी हो चुकी है और लगातार समाजवादी पार्टी की मैनपुरी सांसद डिंपल यारो ने भी कहा है कि जुटना है, होश में जोश में होश नहीं खोना है और लगातार काम करना है। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, 27 में जो 17 में हमारे टिकट मिले, 17 में जो सीटें मिली थी 22 में 3 गुना सीटें हो गई, जो 19 में सीटें लोकसभा की मिली थी उसका 8 गुना हो गई, तो लगातार अगर हम ऐसे मेहनत करते रहेंगे तो आने वाले चुनाव में भाजपा का सफाया हो जाएगा। तमाम तरह के संदेश आपने पहले भी सीरीज भारत के माध्यम से घोसी की जनता को दिए हैं, अब आज क्या कहना चाहिए? मैं घोसी के मालिकों से कहना चाहता हूं कि मैं आपका ये बेटा और भाई वो व्यक्ति है जिसके दिल दिमाग और जुबान पर एक ही चीज़ रहती है, अलग अलग नहीं रहती है, तो चुनाव से पहले जो भी बातें और जो भी वादे मैंने किए थे उसको दिल से निभाऊंगा। तो ये थी हमारे साथ घोसी से सांसद राजीव राय, जो अभी जीत कर आए, इतिहास बना कर आए। इनका कहना है कि हमने मेहनत की थी, उसी मेहनत के दम पर हम जीते हैं, जनता के बीच लगातार बने रहे हैं और इसी का परिणाम हमको यहाँ मिला है। लोग बड़ी बड़ी बातें करके चुनाव हार गए और हम यहाँ पर इतिहास रचा है, समाजवादी पार्टी ने इतिहास रचा है और हमने भी यहाँ पर घोसी की जनता का साथ लेकर इतिहास बनाया है और हम उनके लिए लगातार काम भी करेंगे और विकास की धारा को बहाते रहेंगे। कैमरापर्सन दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।